Right now I am starting with linear discrete mass system. देखिए डिस्क्रीट मास सिस्टम, यह एक्स एक्सेस है। इस एक्स एक्सेस के कुछ फिक्स पॉइंट पर कुछ फिक्स मासेस है, मास एम वन एट एक्स वन, मास एम टू एट एक्स टू, मास एम थ्री एट एक्स थ्री एंड सो ऑन, मास एम एन एट एक्स एन। आप देखिए, सिंस मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, हिंस विल कॉल इट अ लीनियर मास सिस्टम, एंड सिंस fixed masses are concentrated at fixed point, hence linear discrete mass system. Up. I want to determine the center of mass of such linear discrete mass system. इस तरह के linear discrete mass system का मैं center of mass determine करना चाहता हूं, define करना चाहता हूं। देखिए मैं किस तरह से करूंगा, मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास कंसेप्चुलाइज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज अ रेफरेंस एक्सेस, वी नीड टू चूज अ सुटेबल रेफरेंस एक्सेस, एक सुटेबल रेफरेंस एक्सेस चूज की जानी चाहिए। अब रेफरेंस एक्सेस चूज करने के लिए द बेसिक प्रिंसिपल इज अवर रेफरेंस एक्सेस मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन। रेफरेंस एक्सेस चूज करने का सिर्फ एक ही नियम है और वो नियम यह है कि हमेशा एक्सेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर हो। कभी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन से पैरेलल या किसी और एंगल पर, 90 डिग्री से किसी और एंगल पर एक्सेस को कभी भी नहीं चुने। आप वह एक्सेस ले जो मास डिस्ट्रीब्यूशन से परपेंडिकुलर है। आप देखें, यदि यह मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सेस के अलोंग है तो जो हमारी रेफरेंस एक्सेस है वह या तो वाई एक्सेस ले ली जाए, जेड एक्सेस ले ली जाए, या वाई जेड प्लेन पर कोई सी भी एक्सेस ले ली जाए। जो रेफरेंस एक्सेस है या तो वाई एक्सेस हो या जेड एक्सेस हो या वाई जेड प्लेन पर कोई सी भी एक्सेस हो। राइट नाउ किसी भी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने के बजाय मैं वाई एक्सेस रेफरेंस एक्सेस लेता हूं, वाई एक्सेस रेफरेंस एक्सेस है। We visualize mass as a vector quantity having some direction nature. Mass vector quantity है और उन सभी का direction nature let us say into the board. यदि y axis हमने reference axis ली है तो mass को vector quantity के रूप में जिनका direction into the board है ऐसा देखो। ऐसे सोचो कि यह mass अंदर की तरफ act कर रहे हैं, board के अंदर की। सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करें? इन ऑर्डर टू डिफाइन सेंटर ऑफ मास वी यूज टू से पूरे मास सिस्टम का रेफरेंस एक्सिस के अबाउट
मोमेंट डिटरमाइन करो। पूरे मास सिस्टम का रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करो, पूरे मास सिस्टम का जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करो, जो भी कुछ मोमेंट होता है डिटरमाइन करके रखो। अब पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करो, पॉइंट मास बना दो। पॉइंट मास बनाने के बाद किसी पॉइंट पर उसे रखो, उस पॉइंट की वजह से उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करो। यदि यह दोनों मोमेंट बराबर हैं, तो पॉइंट मास को जिस पॉइंट पर रखा गया है उसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। मैं अब मैथमेटिकली समझाता हूं, होल्ड करो, मैथमेटिकली समझाता हूं। वंस अगेन, सबसे पहले मैं फिर वापस रिपीट करता हूं कि मैंने सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करा है, कैसे मैं कंसेप्चुलाइज करूं। मैं सबसे पहले कहता हूं पूरे मास सिस्टम का रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करो। इस वाई एक्सिस के अबाउट मास एम वन की वजह से मोमेंट होगा एम वन एक्स वन। मैग्नेट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज एम वन and its perpendicular distance from y-axis, and that is x1. M1 x1 is moment of mass M1 about y-axis. Mass M1 ki wajah se y-axis ke about jo moment hai, that is M1 x1. M2 x2, this is moment of mass M2 about y-axis. M3, X3 and so on up to Mn, Xn. These are the moment of the masses, different masses about Y axis. M1, X1 is moment of mass M1 about X axis, about Y axis. M2, X2 is moment of mass M2 about y-axis, and M3 X3 is moment of mass M3 about y-axis. इस तरह से हमने सभी point masses का y-axis के about, reference axis के about moment determine कर दिया। Now, what is the total moment of the mass system about y-axis? y एक्सिस के अबाउट पूरे मास सिस्टम का मोमेंट क्या है? एड मोमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल मास, एक एक इंडिविजुअल मास की वजह से मोमेंट एड कर दीजिए। आई शुड से दैट दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ द मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट यह पूरे मास सिस्टम की वजह से मोमेंट है, यह चीज हमने कैलकुलेट करके रख दी। अब इन सभी पॉइंट्स, इन सभी मासेस को सबको पास में ले आओ, सबको कॉन्सेंट्रेट कर दो, कन्वर्ज कर दो और एक पॉइंट मास बना दो। वह पॉइंट मास का मास कितना होगा? उस पॉइंट मास का मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। दिस वुड बी द मास ऑफ द पॉइंट मास इफ कंप्लीट मास वेयर कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देते, तो
तो उस जगह पर टोटल मास इतना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। अब इसे किसी कोऑर्डिनेट, एक बात सबसे पहले समझ जाओ कि यदि पूरा मास सिस्टम एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो इस पूरे मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। इस पूरे मास सिस्टम को कन्वर्ज करने के बाद जो पॉइंट मास बना, जिसका कि यह मास है, इसे किसी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर रखिए। मान लीजिए इसे किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा, किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पर, तो इस पॉइंट मास की वजह से मोमेंट क्या होगा? इस पॉइंट मास की वजह से मोमेंट होगा द टोटल मास ऑफ दैट पॉइंट इनटू एक्स। दिस वुड बी द मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस। उसी वाई एक्सिस के अबाउट पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, पॉइंट मास बना देने के बाद, किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पर जब हम रखते हैं तो उस पॉइंट मास की वजह से उसी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगा मास इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ वी यूज टू से, अब मैं कहता हूं, इफ द टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम इज इक्वल टू द मोमेंट ड्यू टू दिस पॉइंट मास, पूरे मास सिस्टम का वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है, यदि वह इस पॉइंट मास के मोमेंट के बराबर है, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी डिफाइंड एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, और इट्स इक्वल टू समेशन ऑफ miXi अपॉन समेशन ऑफ mi। आई शुड से दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मास सिस्टम इट्स समेशन ऑफ miXi अपॉन समेशन ऑफ mi। What is the summation of miXi? It's total moment of mass system upon the total mass. This is the definition of center of mass of a linear discrete mass system. Linear discrete mass system ka center of mass is tarah se define kara jana chahiye. Ab samay main samjhaunga linear कंटिन्यूअस मास सिस्टम। This is some linear continuous mass system. This is some linear continuous mass system. यह कोई linear continuous mass system है।
इट मे बी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बट द स्पेशल थिंग इज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली एंड दैट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. अब जो सवाल है वो यह है कि मुझे इस लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है. कुछ बातें दिमाग में सबसे पहले फिट की जाए कि यदि मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूशन यदि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए. दूसरी बात, इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए मोमेंट ऑफ मास डिटरमाइन करना होगा, उसी को इक्वेट करना होगा. मोमेंट ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए एक्सिस डिफाइन करनी होगी एंड दैट एक्सिस मस्ट बी अ सुटेबल एक्सिस. किस तरह से होनी चाहिए? इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मास डिस्ट्रीब्यूशन. मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, सुटेबल एक्सिस वुड बी आइदर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एनी एक्सिस ऑन द वाई जेड प्लेन. मैं इस समय y एक्सिस रेफरेंस के रूप में लूंगा. y एक्सिस को रेफरेंस के रूप में लेकर मासेस को वेक्टर क्वांटिटी विथ देयर डायरेक्शन नेचर इनटू द बोर्ड मानूंगा. अब ऑल्दो इट्स कंटिन्यूअस मास सिस्टम yet we discretize it by choosing a differential element. भले ही यह continuous mass system है लेकिन एक differential element choose करके मैं इसे discretize कर दूंगा. x की दूरी पर dx width का dm mass का यह differential discretized element. हमेशा ध्यान रखें, continuous function को differential element choose करके हमेशा discretize करा जा सकता है और डिस्क्रीट सिस्टम का कंसेप्ट लगाया जा सकता है. मैंने एक्स की दूरी पर डिफरेंशियल लेंथ डी एक्स का एक डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका डिफरेंशियल मास डीएम है यह चूज कर लिया. इस तरह से इसे इस पॉइंट पर पॉइंट मास मानते हुए डिस्क्रीट डिफरेंशियल मास ऑब्टेन कर लिया. अब इस डिस्क्रीट डिफरेंशियल मास की वजह से y एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा? dm इंटू x. dm is the mass of this point mass. यह एक point mass हो गया जिसका mass dm है और इसकी दूरी y एक्सिस से x है. इस वजह से इस differential mass का y एक्सिस के about moment होगा. its distance from y एक्सिस into its mass. यह मैंने एक differential element का differential moment determine कर लिया रेफरेंस एक्सिस के अबाउट. अब मुझे करना क्या है? मेरे टारगेट को समझो. इंटीग्रेशन एज अ टूल अप्लाइड इन हैंडलिंग फिजिक्स. इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छी तरह पता होना चाहिए. व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू चूज इनफाइनाइट सच डिफरेंशियल एलिमेंट. मैं इस तरह के
इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना चाहता हूं, एक इधर लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, इस तरह से इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करूंगा, एक एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से y एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करूंगा और उन सभी एलिमेंट की वजह से मोमेंट डिटरमाइन करके उन सबको एड करूंगा। एडिंग इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल एलिमेंट्स, डिफरेंशियल एलिमेंट्स को इनफाइनाइट टाइम एड करना, वी डिनोट इट लाइक दिस, वी कॉल इट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल मोमेंट इन ऑर्डर टू गेट द टोटल मोमेंट ऑफ द मास सिस्टम अबाउट दिस वाई एक्सिस। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस एक और बार समझो, इधर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया उसका मोमेंट निकाल लिया, फिर इधर लिया उसका मोमेंट निकाल लिया, इधर लिया फिर उसका मोमेंट निकाल लिया, फिर इधर लिया उसका मोमेंट निकाल लिया, इस तरह से डिफरेंशियल एलिमेंट लेते गए, ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट लेते गए, उन सबका मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट डिटरमाइन करते गए और उन सब मोमेंट को जोड़ दिया। डिफरेंशियल मास की वजह से जो मोमेंट होगा वो डिफरेंशियल होगा, बहुत छोटे से मास की वजह से बहुत छोटा सा मोमेंट, और बहुत छोटे छोटे मोमेंट को बहुत बार ऐड कर रहे हो, इनफिनिटेसिमल क्वांटिटीज को इनफिनिट टाइम्स ऐड कर रहे हो, डिफरेंशियल क्वांटिटीज को इनफिनिट टाइम्स ऐड कर रहे हो, मींस यू आर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटेड टू गेट द टोटल मोमेंट ऑफ द मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए। Now this is the total moment of mass system of y axis. Now, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे continuous mass system को concentrate कर दूं, converge कर दूं, एक point mass बना दूं, तो उस point mass का mass क्या होगा, उस point mass का mass होगा integral dm, dm is the mass of this element plus differential mass of this element plus differential mass of this element, add all the differential masses and that would be the total mass, and addition of all those differential masses would be denoted by this integral dm. This is the total mass if the complete mass were concentrated or converged at a point. Now it's kept at any coordinate x, is pure point mass ko kisi x coordinate par rakha, the moment due to this point mass would be integral dm into x. Now we used to say yadi total moment, total mass system ka moment, point mass ka moment yadi yah dono barabar ho gaye to is point ko hum kahenge center of mass. Center of mass would be defined as integral of x dm upon integral of dm. Its integral of x dm is total moment of mass system upon total mass. This is the center of mass, the definition of the center of mass of a linear continuous mass.